17 मार्च 2007 ये तारीख हर भारतीय क्रिकेट फैन को याद है। इस दिन बांग्लादेश ने भारतीय टीम के वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना तोड़ा था। हर कोई रोया था, फैंस सड़कों पर थे। भारतीय टीम के पुतले जलाए गए थे, खिलाड़ियों के घर पर पत्थर फेंके गए थे। टीम में सचिन थे, सहवाग थे, गांगुली थे, धोनी थे, द्रविड़ कप्तान थे, फिर भी भारत बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम से हार गया था। आखिर क्या हुआ था उस मैच में, उस हार का जिम्मेदार कौन था? चलिए उस मैच को एक बार फिर जीते हैं। 2007 का वर्ल्ड कप कैरिबियाई देश वेस्टइंडीज में हुआ था। टीम इंडिया राहुल द्रविड़ की कप्तानी और ग्रेग चैपल की कोचिंग में वर्ल्ड चैंपियन बनने निकली थी। वही ग्रेग चैपल जिन पर टीम इंडिया का बेड़ा गर्क करने का आरोप लगता है। भारतीय टीम ग्रुप बी में थी, उनके अलावा ग्रुप में बांग्लादेश, श्रीलंका और बर्मुडा थे। पहला मैच हुआ 17 मार्च 2007 को बांग्लादेश के खिलाफ। राहुल द्रविड़ ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी चुनी, लेकिन यही फैसला टीम इंडिया को खा गया। गांगुली और सहवाग ओपनिंग करने उतरे, तीसरे ही ओवर में सहवाग आउट हो गए। सहवाग आउट हुए, बैटिंग करना है उथप्पा और वो आते ही चले गए। अफगानिस्तान के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी की धीमे बल्लेबाजी पर सवाल उठाने वाले सचिन तेंदुलकर भी उस मैच में फेल हो गए थे। सचिन ने 26 बॉलों पर सिर्फ 7 रन बनाए थे और उनका स्ट्राइक रेट भी 20 के आसपास ही था। सचिन आउट हुए, उसके बाद कप्तान द्रविड़ भी लौट गए और फिर साझेदारी हुई गांगुली और युवराज सिंह के बीच। सहवाग ने उस मैच में 66 और युवराज सिंह ने 47 रन बनाए थे। धोनी, हरभजन और अगरकर भी 0 पर पवेलियन लौट गए थे। पूरी टीम 50 ओवर भी नहीं खेल पाई थी और टीम इंडिया सिर्फ 191 रन ही बना पाई थी। अब जिम्मेदारी गेंदबाजों के हाथ में थी, क्या बांग्लादेश भारत को हरा पाएगा? और यही सच साबित हुआ। बांग्लादेश ने भारत को 5 विकेट से हराया। शाकिब अल हसन, तमीम इकबाल और मुशफिकुर रहीम ने उस मैच में 50 जड़ी थी। मुनाफ पटेल की गेंद पर रहीम का वो चौका आज भी पूरे देश को याद है। ये भारत के लिए बड़ा झटका था। बांग्लादेश ने हराया, उसके बाद बर्मुडा से हम जीते और फिर बाद में श्रीलंका से मैच हारकर टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। सचिन, सौरभ, द्रविड़, सहवाग जैसे दिग्गजों से भरी टीम ग्रुप स्टेज से ही बाहर लौट गई थी। पूरा देश निराश था, हर कोई प्रदर्शन कर रहा था, लोग सड़कों पर उतरे, खिलाड़ियों के पुतले फूंके गए, खिलाड़ियों के घर पर पत्थर भी फेंके गए। हालात इतने खराब थे कि खिलाड़ियों को पुलिस प्रोटेक्शन में घर पर लाया गया। लेकिन जिस दिन टीम इंडिया का सपना टूटा था, उसी दिन पाकिस्तान भी आयरलैंड के हाथों हार कर वर्ल्ड कप से बाहर हुआ था। वर्ल्ड कप इतिहास में ये भारतीय टीम के लिए सबसे बुरा दौर था। खैर, समय आगे बीता और 6 महीने बाद T20 का वर्ल्ड कप आया। T20 का पहला वर्ल्ड कप जो भारतीय टीम ने जीता था और देश को एक नया कप्तान मिला था, महेंद्र सिंह धोनी। टीम इंडिया के वर्ल्ड कप के कई किस्सों में ये भी एक किस्सा था। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप आज तक .in के साथ बने रहिए।